मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि और तरक्की के लिए आए दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के चलते प्रकृति इतना अत्याचार सहन नहीं कर पा रही है। नतीजा, असमय होने वाले प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी घटनाएं जो प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुंचाए और जानमाल का नुकसान करे, उसे प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्राकृतिक आपदा ही कहा जाता है। आए दिन आप देखते हैं, कभी कहीं बाढ़ आ रही है, कभी कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, बाढ़, भूकंप, जंगलों में आग, तूफान, बादल फटना, चक्रवात जैसी आपदाएं पृथ्वी पर लगातार हो रही हैं। इसे रोकना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन इसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार भी है। मनुष्य जल, वन, मैदानों, खनिज पदार्थों और सारे प्राकृतिक साधनों का बेरोक टोक उपयोग कर रहा है। उसे पर्यावरण की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसी कारण प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना लाजमी है। मनुष्य को जरूरत है कि वह इन प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करे। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का कहर सब पर टूटता है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कुछ वक्त के लिए आती हैं और बरसों का नुकसान करके चली जाती हैं। कई मकान और बड़े शहरों को चंद मिनटों में नष्ट कर देती हैं। इमारतें, पुल, सड़कें सब टूटकर बिखर जाते हैं। हर जगह त्राही त्राही मच जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह जाती हैं। कई परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और कभी ना भूलने वाले गम को दे जाते हैं। जब किसी जगह अचानक असंतुलित और लगातार बरसात के कारण पानी हर एक स्थान पर अत्यधिक भरने लगे तो उसे बाढ़ कहते हैं। सड़कें, रास्ते, नालों का पानी अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों का घर डूब जाता है और पशु पक्षी पानी में डूबकर मर जाते हैं। यातायात के साधन सुविधाएं सब बंद पड़ जाती हैं। मनुष्य इतनी रफ्तार से चल रहा है जिसकी वजह से उसने कुदरत पर कहर ढा दिया है। उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए वह पर्यावरण और संसाधनों को नष्ट कर रहा है। अगर ऐसी चलता रहा तो यह प्राकृतिक आपदाएं समस्त पृथ्वी को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगी और हम मूक दर्शक बनकर सिर्फ खड़े रह सकते हैं।